ग्लोबल शेयर मार्केट में जो भूचाल आया उसकी चपेट में घरेलू शेयर बाजार भी लुढ़कते जा रहे हैं। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन यानी कि सोमवार शेयर बाजार के लिए ब्लैक मंडे साबित हो रहा है। क्या अमेरिका, क्या एशिया, क्या यूरोप और क्या मिडिल ईस्ट, सभी शेयर मार्केट में गिरावट की आंधी चल रही है जिसकी चपेट में निवेशक आ गए हैं और पैसा गंवा रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में दलाल स्ट्रीट भी लाल हो गई। तो क्या कुछ मार्केट आज की रही है, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। तो भारतीय शेयर बाजार का हाल बेहाल है और दोपहर 12:40 पर बीएसई का सेंसेक्स 3.11% की भयंकर गिरावट के साथ 78,466 पर आ गया है। एनएससी का निफ्टी आज 24,000 के अहम स्तर से नीचे फिसल गया और 824 पॉइंट यानी के 3.01% की भारी भरकम गिरावट के साथ 23,893 पर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन सेंसेक्स ने 78,295 का सबसे निचला स्तर दिखाया, यानी ये 2600 पॉइंट से ज्यादा फिसला है। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 17.67 लाख करोड़ रुपीस कम हो चुका है और ये ताज़ा डेटा दोपहर 1 बजे का है, जिसमें मार्केट कैप 439.54 लाख करोड़ रुपीस तक फिसल चुका है। शुक्रवार को एम कैप 457.21 लाख करोड़ रुपीस पर था, यानी कि सीधा 17.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना इन्वेस्टर्स को लग चुका है। ग्लोबल गिरावट की बाढ़ में भारतीय निवेशक फंस रहे हैं। बड़े शेयर्स में हम बात करें जो सेंसेक्स पर आज गिर गए हैं, तो बड़े शेयर्स में ONGC है, सबसे ज्यादा 6.89% की गिरावट इसमें आई है। टाटा मोटर्स में 6.04% की गिरावट आई, अडानी पोर्ट्स 6.02% लुढ़का है और टाटा स्टील में 5.25% की गिरावट आई है। हिंडाल्को 5.18% की गिरावट पर कारोबार कर रहा है। इस समय बीएसई सेंसेक्स पर सिर्फ 4 ऐसे शेयर्स हैं जो तेजी पर हैं। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जो आज लाल निशान पर आ गए हैं। घरेलू शेयर मार्केट में आज सुबह से जो गिरावट की सुनामी चली है उसमें भारतीय निवेशकों के तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपए सवा हो चुके हैं। शुक्रवार को बीएसई पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 457.21 लाख करोड़ रुपीस पर था, जो कि इस समय अगर हम बात करें 12:40 की तो ये 441.38 लाख करोड़ रुपीस पर आ चुका है, यानी सीधे तौर पर 15.83 लाख करोड़ रुपीस पानी में जा चुके हैं और ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। आज का दिन ताइवान के शेयर मार्केट के लिए पिछले 57 सालों में सबसे खराब ट्रेडिंग डे साबित हुआ है। एशियाई मार्केट्स में सबसे प्रमुख जापान का बाजार निक्केई 225 यानी के 12.4% की जबरदस्त गिरावट के साथ बंद हुआ। ये 1987 के ब्लैक मंडे के बाद आज सबसे ज्यादा एक दिनी गिरावट वाला दिन साबित हुआ है। जापान में भी गिरावट का 37 सालों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूट गया है। अब जाते जाते ये समझ लेते हैं कि ये वैश्विक शेयर मार्केट क्यों गिर रही है। तो जब अमेरिका बाजारों में बेरोजगारी दर और कुछ दूसरे आर्थिक आंकड़े आशंका से ज्यादा खराब रहे, तो अमेरिका में रिसेशन की आशंका पूरी दुनिया के लिए खराब संकेत के तौर पर सामने आई। शुक्रवार से जो गिरावट की सुनामी चली वो आज ब्लैक मंडे में तब्दील हो गई। वैश्विक शेयर मार्केट में शुक्रवार से बिकवाली का सिलसिला जो चला था आज ग्लोबल सेल ऑफ में तब्दील हो चुका है। तो ये एक मेजर रीजन रहा है जिसकी वजह से शुक्रवार को भी मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी और जो मंडे का दिन था वो ब्लैक मंडे साबित हुआ है, क्योंकि ऐतिहासिक गिरावट आज देखने को मिली है। वीडियो में इतना ही। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।